दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डेटा एंट्री यानी कि जो ऑनलाइन काम होता है उसमें काफ़ी सारे फ्रॉड चल रहे हैं, बहुत सारे स्कैंडल चल रहे हैं, उनके बारे में बताऊंगा, आपको अवेयर करूंगा कि इनसे कैसे बच के रहना है और अगर आप फंस गए हो तो क्या करना है। दोस्तों, आप भी सर्च करते रहते हो डेटा एंट्री, ऑनलाइन डेटा एंट्री जॉब के बारे में या फिर ऑनलाइन कुछ भी काम करने के बारे में, और आप सर्च करते करते एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे पहुंचते हो, वहाँ पर कोई पर्टिकुलर एक देखते हो कि ये कंपनी है जो कि ऑनलाइन डेटा एंट्री की काम दे रही है या फिर कैप्चा फिलिंग का काम दे रही है, ये सब हमसे करवा रही है और हमको अच्छे खासे पैसे दे रही है। मतलब आपको बोलेंगे कि 10 दिन या 15 दिन में ये काम करके हमें दो, हम आपको 20-30 हज़ार रुपये देंगे। तो क्या ये सच में पॉसिबल है? क्या ये रियल है? क्या ये असली कंपनी और क्या ये सही में पैसे देती है? तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब आप खुद सोच के देखिए थोड़ा सा कि 10 दिन के काम के वो आपको क्या 20 हज़ार या 30 हज़ार रुपये देंगे विदाउट, मतलब आपकी कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं ले रहे वो, मतलब आपसे कोई क्वालिफिकेशन नहीं ली जा रही है। जो फेक फ्रॉड होते हैं, कंपनी जो आपको फंसाना चाहती है वो यही करेगी, कुछ भी आपसे क्वालिफिकेशन नहीं लेगी, डायरेक्टली आपको काम देगी और जब वो काम नहीं कर पाओगे तो आपसे फिर वो पैसे लेगी। तो इसका पूरा डिटेल बताऊंगा मैं आपको, इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि क्या ये कंपनी कैसे क्या काम करती है, कैसे पैसे लेती है आपसे और कैसे आप इन कंपनी से बच सकते हैं अगर आप इनमें फंस गए हैं। तो दोस्तों, मैं बहुत सारी बार इंटरनेट पे जाता हूँ, कंज्यूमर जो फॉरम होता है वहाँ पे देखता हूँ कि यार मतलब इतनी सारी कंप्लेंट है, बहुत सारी फर्जी कंपनी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फंस चुके हैं इन कंपनियों के चक्कर में। मतलब यहाँ पर इतने सारे लोग हैं जो उल्टा पैसे भी दे रहे हैं और उनसे काम भी ले रहे हैं। मतलब आप खुद सोच के देखिए कि वो रिफंडेबल डिपॉजिट की बोलते हैं आपको, कई बार वो ऐसे बोलते हैं कि हाँ जो सैलरी आएगी आपकी उसमें से हम काट लेंगे, कई बार वो पहले ही ले लेते हैं और पहले अगर ले लिया तो फिर वो कभी आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे। अगर वो आपको बोल रहे हैं कि आपकी फर्स्ट सैलरी में से हम काटेंगे तो फिर आपको कॉन्टैक्ट तो करेंगे बट आपसे एक पर्टिकुलर कोई काम करवा लेंगे, देन उसके बाद फिर पूरा फंडा होगा। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ दोनों केसेस में क्या होता है। पहले केस में ये होगा कि आप कोई वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पर रजिस्टर करते हैं और वो आपको बोलते हैं एक रिफंडेबल डिपॉजिट हमको चाहिए ताकि आप हमारा काम छोड़ के नहीं जाओ। तो आप उनको एक पैसे देते हो, जैसे आपने पैसे उनको ट्रांसफ़र किए, जो भी 5 हज़ार 10 हज़ार जितने भी उन्होंने मांगे, आप पैसे ट्रांसफ़र करते हो, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब जब जैसे ही आपने पैसे ट्रांसफ़र किए, आपके अकाउंट से पैसे गए, फिर भूल जाओगे, उनका फ़ोन नंबर भी लगेगा, फिर उनसे कोई कांटेक्ट होगा। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। कोई अगर कंपनी है आपको रियली में काम देना चाहती है तो सबसे पहली बात तो वो क्वालिफिकेशन देखेगी, उसके बाद वो कभी भी आपसे पैसे नहीं लेगी। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं कंपनी में काम करने जाएंगे तो उल्टा आपसे थोड़ी पैसे लेंगे वो। तो सबसे पहला तो यही है कि आप कहीं भी अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन, हालांकि ये ऑनलाइन ही ज़्यादातर होते हैं ये स्कैंडल, ऑफलाइन नहीं हो सकते क्योंकि ऑफलाइन बहुत कम चांसेस है, लोग अवेयर हो गए हैं ऑफलाइन के लिए तो, बट ऑनलाइन के लिए अभी अवेयर नहीं है। ऑनलाइन अभी भी लोगों को समझ नहीं आता कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। दूसरा और सबसे मतलब खतरनाक, जो आपके लिए एकदम खतरनाक हो सकता है, आपको लगेगा कि कहाँ फंस गया यार मैं, ये होता है कि आपको एक कोई पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाते हैं, वो आपसे ना पैसे मांगते, कुछ भी नहीं मांगते, तो आपको एकदम लगता है कि यार ये जेन्युइन है, ये पैसे भी नहीं ले रही है, डायरेक्ट डेटा एंट्री का काम दे रही है। वो आपको काम भी दे देते हैं, आपको सब कुछ समझा देते हैं कि ये काम है, इतने दिन लगेंगे, इतने दिन आपको मिलेंगे, ये काम करके आपको देना है। तो मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई कंपनी में अप्लाई किया, वहाँ से मेल आया, आपको 10 दिन में ये पूरा काम, फॉर एग्ज़ाम्पल डेटा एंट्री का काम दे दिया, कोई इमेज दे दी, इमेज में से पूरा टेक्स्ट टाइप करके देना है, ये डेटा एंट्री का काम होता है उनका, या फिर कैप्चा दे दिया, एक कैप्चे आते हैं बहुत सारे, अगर आपने ऑनलाइन अगर आप इंटरनेट चलाते हैं तो वहाँ पे आपको पता होगा कैप्चा क्या होता है। जब आप कोई भी साइन इन करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे कैप्चा होता है, उसको आपको फिल करना होता है, तो कैप्चा फिलिंग वाले भी काम होते हैं बहुत सारे, तो वो आपको दे देंगे। तो वो ये वाले काम में क्या होता है, इनकी पूरी मतलब वहाँ पे डेवलपर इन्वॉल्व होता है, एक जो फर्जी होता है, मतलब है तो वो डेवलपर बट वो पूरा पूरी तरह से फर्जी है, मतलब वो फर्जी कंपनी चला ले तो फर्जी हुआ ना। वहाँ पे वकील भी होता है जो थोड़ा बहुत जानता है लॉ के बारे में, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ना उसके पास कुछ डिग्री होती है, बस वो नाम का वकील होता है उनके लिए, और एक दूसरा बंदा भी होता है जो कांटेक्ट कराता है सबसे। तो ये सब होता है। अब वहाँ पे जो डेवलपर है वो एकदम ऐसी वेबसाइट बनाएगा, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएगा, ऐसी ऐप बनाएगा, क्योंकि मोबाइल में भी आजकल लोग मोबाइल पर ज़्यादा काम करते हैं, तो आप यही सोच रहे होंगे कि यार मोबाइल पर कैसे काम करें, तो वो इसी तरह से ऐप बनाएंगे, डेवलप करेंगे ऐप को, एक बार डेवलप कर दी उन्होंने फिर सबको देते रहेंगे, घुमाते रहेंगे सबके पास, वो ऐप देंगे आपको, वहाँ पर आप काम करोगे, उसमें 10-15 दिन आपके लगाओगे, दिन रात मेहनत करके 10-15, या तो ऐसा काम देंगे वो आपको कि 10 दिन उन्होंने मान लो फॉर एग्जांपल 10 दिन दिए, 10 दिन में आप काम करके नहीं दोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा वो बोलेंगे। तो इस तरह से वो आपको काम देंगे कि आपका 10 दिन में काम होगा ही नहीं, और अगर हो भी गया तो वो काम जो होगा आपका वो बता देंगे कि ये आपने गलत काम किया है। तो यहाँ से रियल फंडा शुरू होता है उनका। अगर काम नहीं हुआ तो भी वो आपको फंसा देंगे, काम हुआ बट
काम आपने कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने 9 दिन में ही कर दिया, दिन रात मेहनत करके 9 दिन में कर दिया, तो वो आपको ये बोल के फंसाएंगे कि आपने काम जो किया है वो बहुत गलत काम किया है, मतलब कि आपका टाइपिंग एरर है, बहुत सारे एरर है उसमें, ये आपको बोल के फंसा लेंगे वो। अब फंसाएंगे कैसे, ये फंसाएंगे कि आपने जो काम किया है या तो वो लेट कर दिया है, लेट कर दिया तो इस कारण से फंसाएंगे कि आपको आपने जो काम है वो टाइम पर नहीं किया तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर मान लो आपको कोई वो बोलते हैं कि आपने काम तो दे दिया बट उसमें एरर है बहुत सारी, तो भी सेम चीज़ ये बोलेंगे कि आपने एरर दे दी, कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इसके बाद वो क्या करेंगे, कंपनी का नुकसान पूरा करने के लिए वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बताएंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट था, अगर आप कोई कंपनी का नुकसान करते हैं या फिर एरर वाला काम करा के देते हैं या फिर काम टाइम पे नहीं करके देते हैं तो वो पूरा आपको एक लीगल नोटिस टाइप एक PDF या वर्ड फाइल भेजेंगे, उसमें लिखा होगा कि इतना इतना चार्जेस लगेगा, तो फिर आपसे मन चाह चार्ज लेंगे, मतलब कभी 10,000 की बोल दिया, कभी कोई 20,000 की बोल रहा है, कभी कोई 32,000, मतलब ऐसे फिगर बताएंगे वो कि आपको लगेगा कि नहीं यार ये रियल है, ये मुझे देना है, मतलब 32,345 इस तरह के फिगर बताएंगे वो आपको, कि आपको लगेगा कि नहीं यार ये रियल है, ये लीगल है, वो लीगलाइजेशन से आपको फंसाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, और एकदम इस तरह का वो लीगल नोटिस बनाएंगे, इस तरह के नोटरी पेपर पे बनाएंगे वो, तो आपको लगेगा कि यार ये लीगल है, बट कहीं से कहीं तक वो लीगल नहीं होता है, वो बिल्कुल भी फर्जी, मतलब बिल्कुल भी लीगल नहीं होता है, वो पूरी तरह से फर्जी होता है, मतलब वो नोटरी किया हुआ ही नहीं होता है, पूरी तरह से फर्जी होता है, मतलब साइन भी उसने कॉपी पेस्ट की होती है, साइन एक्चुअली में करी हुई नहीं होती है। और फॉर एग्जांपल आप मान भी गए, आपने पैसे दे भी दिए, तो फिर वो आपको छोड़ने वाले नहीं है, वो आपको ये बोलेंगे कि जो एग्रीमेंट हुआ था वो पूरे 11 महीने का हुआ था, तो अगर आप ये तो आपने 1 महीने के पैसे दिए, आपको हर महीने आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, और नहीं देना है तो आप काम टाइम पर करके दो विदाउट एरर, तो विदाउट एरर आप देंगे तो आप तो आपको पता है कि आप कुछ भी एरर नहीं कर रहे हो उसमें, बट वो उनका सॉफ्टवेयर ऐसा है कि वो आपको एरर ही बताएगा, और मतलब पूरी तरह से उन्होंने फंसाने का ही किया है आपको। तो अगर आप एक भी बार पैसे नहीं दिए हैं, आपने आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो बिल्कुल भी पैसे मत दीजिए, वो कुछ नहीं कर सकते आपका, क्योंकि उनके पास लीगली कुछ भी नहीं है, उल्टा आप उनको फंसा सकते हैं 400BC के केस में। बहुत सारे और भी सेक्शन होते हैं, मैं एक वीडियो देता हूँ आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देता हूँ, उस वीडियो को जाके देखिए, वहाँ पे आपको एग्जैक्टली सेक्शन वाइज पता चल जाएगा कि कौन कौन से सेक्शन उनके ऊपर आप लगा सकते हैं अगर आप कोई केस करना चाहते हैं। तो ये इस तरह से ये स्कैम चल रहा है पूरा, मतलब बहुत ही बड़ा स्कैम है ये, जो भी लोग इस तरह के होते हैं जो इसमें इसलिए फंस जाते हैं वो उन्हीं को टारगेट करते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई काम आता है या डायरेक्टली आपको कोई कॉन्टैक्ट करता है या फिर आप ही सर्च करके इन वेबसाइट पहुंच जाते हैं, तो यार थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए कि वो कंपनी कैसी, क्योंकि डायरेक्टली आपको कोई काम नहीं देगा इस तरह से, मतलब बिना मेहनत किए 10 दिन में 20,000-30,000 रुपये कोई भी नहीं देगा आजकल। बहुत सारे लीगल तरीके हैं 10,000 के या 20,000 के, मतलब लाखों कमाने के, वो आप यूज़ करिए, पर उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे यार पैसे नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है, मेहनत जितना मेहनत करेंगे उतने ही पैसे मिलेंगे। आप सोचोगे यार मैं 10 दिन में सारा टाइप करके दे दूँ और 30,000 रुपये मिल जाए, 20 दिन इन्जॉय करूँ, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और वो क्या तरीके हैं जो आपको मेहनत करके पैसे मिल सकते हैं, उनका मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो जाके आप देखिए, काफ़ी सारे तरीके हैं ऑनलाइन, एक जो मैं खुद कर रहा हूँ यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, उसके अलावा ब्लॉगिंग होता है, अफिलिएट मार्केटिंग होता है, ऐसे काफ़ी सारे तरीके हैं जिनकी मदद से आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, मतलब ये 20-30 हज़ार रुपये कहीं नहीं लगेंगे, बहुत ही ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं अगर आप साल भर मेहनत कर लेंगे तो, मतलब आपको और दूसरे तरीके से इसे दूसरे जो शॉर्ट टर्म वाले काम होते हैं वो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा सा अवेयर हो जाइए इन चीज़ों के बारे में, और ये वीडियो उन तक पहुँचाइए जो इस तरह के स्कैम में फंस जाते हैं या फंस रहे हैं या ऑलरेडी फंस चुके हैं, तो कैसे उनसे निकलना है, निकलने का एक सिंपल तरीका है, जो उनका नंबर है डायरेक्टली ब्लॉक करो, वो कुछ नहीं कर सकते आपका, क्योंकि उनके पास कोई भी लीगल कुछ भी नहीं है, मतलब आप भूल जाइए कि उनके पास कुछ भी लीगल है, पैसे दे दिए हैं तो आप उनके खिलाफ़ कंप्लेन कर सकते हैं, कंपनी के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि वो आपको कहीं से कहीं तक कंपनी रजिस्टर है या फिर मिलेगी या फिर ऐसा कुछ भी, आपके पास सिर्फ एक नंबर है या फिर ईमेल आईडी होगी, तो उनमें आप कंप्लेन करेंगे तो क्या कर लेंगे, वो नंबर भी फर्जी लिया होगा, तो उन चीज़ों का कुछ भी नहीं कर सकते, वो चीज़ें हो गई है तो हो गई है, छोड़ दीजिए उसको और नए तरीके से स्टार्ट करिए, नया कुछ स्टार्ट करिए, बहुत सारे तरीके हैं ऑनलाइन कमाने के। तो बस दोस्तों ये एक अवेयरनेस वीडियो था मेरी तरफ से जो कि संडे को आ रहा है, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, नॉर्मल आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो मैं यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो के नीचे आप जो भी कमेंट करेंगे, जो भी आपके क्वेश्चन हैं टेक से रिलेटेड या जो भी क्वेश्चन है
वो आप मुझसे पूछिए, मैं उसका अगले संडे को एक Q&A वीडियो लेके आऊँगा और आपको उनके आंसर करूँगा। तो इस तरह से क्या होगा, इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा हो जाएगा हमारा। और भी अगर आपको मेरे से डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो हमारी लूट ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पर आपको चैट सेक्शन मिलता है, उससे डायरेक्टली आप मुझसे चैट भी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, क्योंकि रोजाना मैं आपके लिए टेक वीडियोज़ लाता रहता हूँ और साथ ही साथ कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग अपडेट जो आपको जानना जरूरी होती है वो भी मैं आपको देता रहता हूँ इसी चैनल पे। दैट्स ऑल।